दिल्ली में जब नीतीश कुमार विपक्षी एकता की रणनीति बनाने में जुटे थे, ठीक उसी वक्त बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे। अमित शाह से जीतन राम मांझी की हुई मुलाकात पर अटकलों का बाजार गर्म है। सब जानना चाह रहे हैं कि जीतन राम मांझी का आखिर गेम प्लान क्या है। हालांकि मांझी ने कसम खाकर सारे अफवाहों पर विराम लगा दिया और उसकी हवा निकाल दी। मांझी ने कहा कि मैंने कसम खाई है कि नीतीश कुमार जहां मैं वहां। अमित शाह मांझी की मुलाकात, क्या बिछ गई बिसात? जीतन राम मांझी ने बढ़ाई महागठबंधन में टेंशन। नीतीश का गुणगान, शाह के साथ बना गेम प्लान। दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल और लेफ्ट पार्टियों के दिग्गजों से मिलकर लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति बना रहे हैं। तो दूसरी ओर नीतीश कुमार की सरकार में अहम साथी की भूमिका निभा रहे जीतन राम मांझी दिल्ली में अमित शाह से मिलने पहुंचे। मांझी की ओर से दावा किया गया कि मुलाकात गैर राजनीतिक थी। माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मांझी अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। हालांकि सियासी गलियारे में शाह और मांझी की मुलाकात पर कयासबाजी शुरू हो गई। यू टर्न तक लेने की बात कही जाने लगी। सियासी साख पर उठे सवाल पर मांझी ने साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कसम खाई है, नीतीश जहां मैं वहां। नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। हमने कसम खा लिया है कि नीतीश कुमार के साथ हम रहेंगे जहां वो रहेंगे। तो आज वो जहां हैं उनके साथ हम हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, नीतीश कुमार में सारा गुण है प्रधानमंत्री होने का। भले ही जीतन राम मांझी ने एनडीए में जाने की अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया, लेकिन शाह मांझी की मुलाकात पर सियासत शुरू हो चुकी। बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने तो इतना तक कह दिया कि अगर मांझी एनडीए में लौटते हैं तो हम माला पहनाकर स्वागत करेंगे, आरती उतारेंगे। वहीं जेडीयू मुलाकात को ज्यादा तूल नहीं देना चाहती। केंद्रीय नेतृत्व पर है, केंद्रीय नेतृत्व अगर उनको साथ आएंगे तो हम लोग माला पहना करके स्वागत करेंगे, आरती उतारेंगे मांझी जी का। देखिए, अमित शाह से मुलाकात करना, किसी भी व्यक्ति का अपना अपना भी मुलाकात होता है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली गए हैं तो और कुछ परिस्थिति होगी, और कुछ चर्चाएं होगी, तो इस पे हम क्या कहें। मुलाकात तो सभी लोग करते हैं एक दूसरे से। तो क्या मान लिया जाए कि उपेंद्र कुशवाहा के बाद एनडीए की नजर जीतन राम मांझी पर है, या फिर जीतन राम मांझी महागठबंधन में अपनी भूमिका को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? मांझी ने भले ही कसम खाई हो, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।